स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ आयुर्वेदा में। आज की जो क्लास है वो डी फार्मा फर्स्ट ईयर की है। डी फार्मा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की आज क्लास है और आज मैं थर्ड पेपर से कुछ टॉपिक आज आप सभी को बताने वाला हूँ। जो थर्ड पेपर है, सभी को पता है कि थर्ड पेपर आपका द्रव्य गुण विज्ञान और द्रव्य परिचय का है। थोड़ा सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट हो जाता है, इसलिए थोड़ी सी रेफरेंस और थोड़ी एक्सप्लेनेशन ज्यादा चाहिए होती है इसमें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स इसमें आपको मिल जाते हैं जो कि संस्कृत में, टोटली संस्कृत में होते हैं, और ज्यादा अगर सही से आप उसको नहीं समझ पाओगे तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप अच्छी तरह से उसको लिख नहीं पाओगे। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सभी जो टॉपिक है उसको मैं क्लियरली एक्सप्लेन करके बता दूँ सभी को। चाहता हूं मैं कि ऐसे एक्सप्लेनेशन के साथ उस टॉपिक को मैं क्लियर करूं कि ताकि आपके दिमाग में घुस जाए और अच्छी तरह से समझ में आए और अपने लैंग्वेज में आप एग्जाम में उसको लिख सको। तो आज का जो टॉपिक है आपके थर्ड पेपर से ही रिलेटेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो थर्ड पेपर में बहुत सारा आपका सिलेबस जो है बहुत ज्यादा ब्रॉड है, बहुत बड़ा सिलेबस है, तो हर एक टॉपिक को बता पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आप सभी को अच्छी तरह से बता दूँ ताकि आप एग्जाम में उसको अच्छी तरह से कर लें और बाद में भी आपको ये काम में आ जाए। तो थर्ड पेपर का जो टॉपिक है आज मैं आप सभी को बताऊंगा, जिसमें मैंने पहले से ही कुछ चीजें मेंशन कर रखी हैं आपकी सुविधा के लिए। तो जैसे पहले ही मैंने बता दिया कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर की क्लास है, तो मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि जितने भी आयुर्वेद के स्टूडेंट हैं, चाहे वो बी फार्मा कर रहे हों या डी फार्मा या जेएनएम कर रहे हों या जो डिप्लोमा नर्सिंग है कर रहे हों, तो उनके कुछ टॉपिक जो है मिलते जुलते हैं, थोड़ा कॉमन हो जाता है। तो कभी कभी ऐसे टॉपिक आ जाते हैं जो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि जब मेंशन कर दिया गया डी फार्मा फर्स्ट ईयर का, डी फार्मा फर्स्ट ईयर वालों के लिए ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा नहीं है। अगर आपको टॉपिक बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आयुर्वेद के जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इस चीज को ध्यान में रखें कि आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो वैसे ही ये भी टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि द्रव्य गुण विज्ञान और द्रव्य परिचय का सब्जेक्ट है, टॉपिक है, और द्रव्य गुण विज्ञान का जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यही एक सब्जेक्ट है जो आपको जितनी भी औषधियां हैं, वनस्पति से जो औषधियां आप प्राप्त करते हो और दवा निर्माण करने के लिए सीखते हो या दवा का परिचय आपको दिया जाता है, तो इसी सब्जेक्ट में सारी चीजें आपको बताई जाती हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो स्नेह वर्ग है और मैंने यहाँ पे केस्य भी लिखा है। तो केस्य में जैसे आयुर्वेद में जो डी फार्मा कर रहे हैं फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनको द्रव्य गुण विज्ञान और द्रव्य परिचय में कुछ जो आयुर्वेदिक औषधियां उनका परिचय भी जानना होता है, किन औषधियों से दवा बनती है वो भी जानना है, और कौन सी औषधियां किस काम में ली जाती हैं, किसको स्नेह वर्ग में रखा जाता है। स्नेह मैंने यहाँ पे दो चीजें लिखी है, पहले तो लिखा है केस्य और दूसरा लिखा है स्नेह वर्ग। तो केस्य का मतलब ये होगा कि ऐसे औषधि द्रव्य जो हैं जो बालों के लिए ज्यादा उपयोगी हैं तो उनको केस्य की कैटेगरी में रख करके ही हम पढ़ते हैं। और स्नेह वर्ग लिखे हैं तो मतलब स्नेह का मतलब होता है आयुर्वेद में तैल बोलते हैं, तेल बोला जाता है संस्कृत में तैल और हिंदी में तेल बोलते हैं। तो स्नेह वर्ग में जितने भी औषधि द्रव्यों को बताया जाएगा सभी से तेल प्राप्त किया जाता है, इसलिए स्नेह वर्ग में उसको रखा गया। तो केस्य में आपको पढ़ना क्या क्या है, नारिकेल मतलब नारियल, तिल तिल मतलब तिल, ये संस्कृत में भी तिल कहते हैं, हिंदी में भी तिल कहते हैं, बंगाली में भी इसको तिल ही बोला जाता है, भृंगराज तो भृंगराज भी आप जान ही रहे हो, और नीलनी जो है ये भी स्नेह वर्ग का ही सदस्य है और नीलनी से भी तेल प्राप्त किया जाता है। तो इसमें आपको क्या क्या चीजें जाननी है ये मैं बता देता हूँ। एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें जो भी औषधि द्रव्य है उसमें क्वेश्चन जो है इस तरह से पूछा जाता है कि अगर तिल के बारे में क्वेश्चन आ गया तो लिखा जाएगा क्वेश्चन इस तरह से होगा कि तिल के बारे में संपूर्ण परिचय देते हुए उसके प्रयोग, गुणधर्म, रासायनिक संगठन के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाता है, या कभी कभी ऐसा आ जाता है कि कुछ औषधियों के नाम दे देगा, जैसे तिल दे दिया, अर्जुन दे दिया, सर्पगंधा दे दिया, भृंगराज दे दिया, इस तरह के औषधि द्रव्यों का नाम दे करके सामने से पूछ देगा कि इनका आप परिचय दीजिए। तो परिचय में आपको सिंपली कुछ चीजें होती हैं जो इसके बारे में, जैसे इसका लैटिन नाम हो गया, इसका बॉटनिकल नेम हो गया, जो भी औषधि पूछा गया उसका लैटिन नेम हो गया, बॉटनिकल नेम हो गया, फिर उसके बाद से उसका स्ट्रक्चर किस तरह से वो पौधा होता है, कहाँ पाया जाता है, क्या इसकी विशेषताएं होती हैं, कब इसके पत्तों का क्या यूज होता है, इसके बीज का क्या यूज होता है, इस तरह की चीजें आप उसमें आंसर में लिख सकते हो।
लेकिन कभी कभी ऐसा पूछ देता है क्वेश्चन में कि जो औषधि द्रव्य दिया रहता है क्वेश्चन में उसका पूरा संपूर्ण परिचय पूछेगा, साथ में उसका रासायनिक संगठन, क्या क्या रासायनिक संगठन पाया जाता है, कैसे हम इसे उपचार में प्रयोग में लेते हैं, ये सारी चीजें पूछा जाता है। तो उसी तरह का क्वेश्चन का आंसर हम एक्सप्लेनेशन के साथ मैं बता दे रहा हूं कि आपको अगर किसी तरह का क्वेश्चन अगर घुमा करके पूछता है तो आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं। तो आज जो है हम तिल के बारे में पढ़ेंगे। तो तिल को हम इंग्लिश में सीसेम भी कहते हैं या सीसेम भी कहा जाता है, और इसकी इसका जो कुल होता है उसको पेडलियसी कहते हैं। कुल इसका पेडलियसी है, लैटिन नेम इसका सेसमम इंडिकम है, उसी तरह से संस्कृत में इसको तिल बोलते हैं, हिंदी नेम भी इसका तिल है, और जैसा मैंने पहले बताया बंगाली में भी इसको तिल ही कहा जाता है। और बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की, तो ये क्या होता है, एनुअल प्लांट है, मतलब कि वार्षिक पौधा है, एक साल में तैयार होता है, वर्षायु में ही इसको रखते हैं, क्योंकि आपको पहले से पता है बॉटनी अगर पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो कि छमाही होते हैं, छमाही से सालाना में तैयार होते हैं, तो वर्षायु में ही उनको रखा जाता है। वर्षायु छूप लिखा हुआ है यहाँ पे, तो डायरेक्टली जब छूप मैंने लिख दिया तो छूप से आप ये समझ जाइएगा कि ये पौधा ऐसा है, झाड़ी नुमा होता है, न तो ज्यादा बड़ा होगा और न ही ज्यादा छोटा होगा, इसलिए इसको छूप की कैटेगरी में रखा गया, छूप कहा गया, वर्षायु छूप कह रहे हैं इसको। 1 से 3 फुट लंबा हो सकता है, मतलब कम से कम 1 फुट और ज्यादा से ज्यादा 3 फुट ये लंबा हो सकता है। दुर्गंध युक्त है, दुर्गंध युक्त लिखा हुआ है, मतलब कि इसमें से ऑर्डर स्मेल आता है, अच्छी तरह स्मेल नहीं, मतलब कि खुशबू नहीं आती है, बदबू टाइप का इसमें महक जो है निकलता रहता है। फिर कांड जो है, कांड अगर बोला जाएगा तो संस्कृत में कांड लिखा हुआ है और हिंदी में इसको हम तना बोलेंगे। ये मृदु रोमस है, मृदु रोमस का मतलब कि इस पे छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं। पुष्प जो है इसका कोमल है, ज्यादा सॉफ्ट होता है, इसलिए इसमें यहाँ पे मैंने पहले ही लिख दिया पुष्प कोमल है। अगर बीज की बात करेंगे तो बीज छोटे होते हैं, चिकने होते हैं, चिकनाहट होती है बीज में। और इसके अलावा अगर बीज के वर्ण की बात करेंगे, मतलब कि किस किस रंग के बीज पाए जाते हैं, तो बीज जो होते हैं इसके श्याम वर्ण के होते हैं, मतलब काले, जिसको कृष्ण वर्ण लिखा हुआ है, और उसी तरह से रक्त वर्ण के होते हैं, लाल भी होते हैं, और श्वेत वर्ण मतलब सफेद बीज भी इसके होते हैं। अगर पुष्प की बात करेंगे तो पुष्प इसका अक्टूबर से दिसंबर में आ जाता है और फल जो है दिसंबर से जनवरी तक निकल जाते हैं। तो ये एक तरह का सामान्य परिचय था। अगर परिचय आता है तिल का तो आप इंट्रोडक्शन में ये सारी चीजें लिख सकते हैं, लेकिन अगर आगे आता है कि इसके बारे में डिटेल में बताइए तो आप और भी ज्यादा लिख सकते हैं। पहले ही मैंने बता दिया था कि केमिकल कंपोजिशन पूछता है, क्योंकि जितने भी एलोपैथिक दवाएं उसमें कुछ केमिकल कंपोजिशन होते हैं जिसके अनुसार वो काम करता है शरीर पे, उसी तरह से जितने भी आयुर्वेदिक औषधियां हैं उनमें भी कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं जिसके हिसाब से हम उसको दवा के तौर पे यूज करते हैं। तो इसमें अगर देखें तो केमिकली जो कंपोजिशन है, रासायनिक जो संगठन है, उसमें प्रोटीन जो है 16.6 से लेकर के 24.4% तक पाया जाता है। परसेंटेज में मैंने सारी चीजें यहाँ पे लिख दी है। कार्बोहाइड्रेट 6.1 से 25.2% तक पाया जाता है। जितने भी मिनरल्स है उसमें 4.1 से 7.4% तक पाया जाता है। कैल्शियम 1.06 से 1.75% तक पाया जाता है। फास्फोरस 0.47 से 0.62% तक पाया जाता है। उसी तरह स्नेह द्रव्य इसलिए क्योंकि पहले ही बताया कि स्नेह वर्ग का है, तो इसलिए तेल की मात्रा सबसे ज्यादा होती है इसमें। तो स्नेह द्रव्य है इसमें 43 से 56.8% तक पाया जाता है, मतलब कि 43 से 56.8% तक इसमें स्नेह द्रव्य होते हैं। अगर बात करेंगे विटामिन की तो विटामिन ए बी सी प्रचुर मात्रा में इसमें पाया जाता है, ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसमें एक अल्कोहल ग्रुप का एक यौगिक भी पाया जाता है जिसको सिसेनॉल भी कहा जाता है। सिसेनॉल कहते हैं जो कि अल्कोहल ग्रुप से है, वो बिलोंग करता है, अल्कोहल ग्रुप से बिलोंग करता है। गुड़ की बात करेंगे तो इसका गुड़ गुरु है, जैसा कि जितने भी आयुर्वेद वाले हैं उनको पता होगा कि जितने भी आयुर्वेदिक औषधियां हैं उनके गुड़ वीर्य विपाक ये सारी चीजें आपको बताया जाता है, जितने भी औषधि द्रव्य होते हैं। तो उसी के क्रम में गुड़ अगर देखेंगे तो इसका गुड़ गुरु है। रस की बात करेंगे तो मधुर रस का है, मतलब मीठे स्वाद का है। और उपरस की बात करेंगे तो कषाय और तिक्त होता है। इसका उपरस क्या होता है, कषाय और तिक्त, कषाय का मतलब कसैला और तिक्त का अगर मतलब बोलेंगे तो कड़वा इसका स्वाद होता है। वीर्य इसका क्या होता है, वीर्य उष्ण होता है, मतलब कि ये गर्म तासीर का ये औषधि द्रव्य है। पहले भी मैंने बता दिया था कि जितने भी जिनकी तासीर गर्म होती है वो जल्दी पच जाते हैं, लेकिन खाने के बाद से हमारे शरीर में थोड़ी गर्माहट होती है, तो उसी तरह से ये भी औषधि है। खाने के बाद से हमारे शरीर में थोड़ी सी गर्मी आ जाती है, और जितने भी शीत गुण के होते हैं पचने में थोड़ा समय लेते हैं लेकिन शरीर को थोड़ा ठंडक प्रदान करते हैं। तो ये हो गए इसके थोड़े से
जो गुण थे वो बता दिया मैंने। अगर कर्म की बात करेंगे कि कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज में लेते हैं, तो कर्म इसका अगर देखें तो दोष कर्म ये त्रिदोष नाशक है। जैसा कि आयुर्वेद में बताया गया है कि जितनी भी बीमारियां होती हैं वो वात पित्त कफ के बढ़ जाने घट जाने के वजह से ही होती है, तो ये तीनों दोषों में काम करने वाला है, त्रिदोष शामक है। रासायनिक अगर संस्थानिक कर्म में बात करें कि कहाँ पे इसको हम बाहर तौर पे अगर यूज करते हैं तो किन किन चीजों में किन किन दिक्कतों में हम यूज कर सकते हैं, तो इसको स्नेहन के तौर पे यूज करते हैं, मतलब कि तेल के जगह पे हम लगा सकते हैं। वेदना स्थापन में अगर दर्द वगैरह होता है उसमें भी हम प्रयोग में ले सकते हैं। व्रण शोधन में फोड़ा हुआ है तो उसको भी खत्म करने के लिए उसके इलाज में इसका प्रयोग कर सकते हैं। व्रण रोपण अगर फोड़ा निकल रहा है तो उसको रोकने के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। केश या मतलब अगर बाल झड़ रहे हैं, बाल में दिक्कत है, पतले हैं, सही नहीं है, तो वहां पे भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और भी बहुत सारे प्रयोग हैं इसके, संधान वगैरह में भी इसका प्रयोग किया जाता है। संधान मतलब जो पहले मैंने बता दिया था, आप एजुकेशनल वीडियो के जो प्लेलिस्ट है उससे आप देख सकते हो, उसमें मैंने बताया हुआ है संधान क्या है, आसो आरिष्ट मैंने बताया हुआ है। तो आसो और आरिष्ट जब निर्माण किया जाता है उसमें बताया था कि कुछ ऐसे जितने भी आरिष्ट होते हैं उनको अग्नि पे पाक करके बनाया जाता है, तो उसके पहले क्वाथ बनाते हैं, तो उसमें कई ऐसे क्वाथ हैं जो कि तिल के तेल के द्वारा तैयार किए जाते हैं, तो उसमें संधान में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर शरीर में दिक्कत है, कमजोरी है, तो मालिश की जाती है, अभ्यंग में इसके स्नेह का प्रयोग किया जाता है, इसके तेल का, जिससे शरीर सुदृढ़ होता है, बल प्रदान करता ही है हमारे शरीर को। इसके अलावा अगर जोड़ों में दर्द है, शरीर में दर्द है, तो इसके स्नेह को गर्म करके, इसके तेल को गर्म करके उससे लगातार मालिश करने पर भी शरीर को थोड़ी सी राहत मिलती है। तो ये सारी चीजें थी जिनमें तिल का पूरा मैंने केमिकल कंपोजिशन से लेकर के इसके स्ट्रक्चर और इसके इंट्रोडक्शन को पूरी तरह से मैंने बता दिया। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे जितने भी जानकारी वाले जो भी टॉपिक है आपको एक्सप्लेन के साथ आपको मिले। और बार बार मैं कहता हूं कि वीडियो को दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, ताकि आप जैसे जो भी स्टूडेंट हमसे जुड़ना चाहते हैं, जिनको ये सारी चीजें नॉलेज चाहिए, उनके तक वीडियो पहुंचे और वो इससे लाभ ले सके। तो आप वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। अगर आपके दिमाग में इस टॉपिक को लेकर के या इसके अलावा कोई और टॉपिक है उससे कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देता हूं और आपके कमेंट को मैं पढ़ता भी हूं रेगुलर। मैं बताता हूं कमेंट करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम मुझे पता चलेगी और मैं अच्छे से उसको उसका सोल्यूशन दे पाऊंगा। तो कमेंट जरूर कीजिए।